गुड आफ्टरनून फोर्थ क्लास. टुडे आई एम टीचिंग यू एक्सरसाइज 8.3. आज हम 8.3 पढ़ेंगे. ये देखिए यहाँ पे हमें सैम्पल्स दे रखे हैं और इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है. फर्स्ट है हमारा 3/7 एंड 6/7. मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगी, बाकी के आप लोगों को करने हैं. यहाँ पे देखिए, जिस भी नंबर का डिनोमिनेटर मतलब हर और ये अंश, ये हमारा अंश होता है, ये हमारा हर होता है. जिस भी नंबर का डिनोमिनेटर सेम होता है वहां पे छोटी संख्या को छोटा मानते और बड़े नंबर को बड़ा नंबर मानते. आगे आप सब समझ में, जैसे यहाँ पे 7/7 बड़ा है, ध्यान रखना इसमें भी हमारा डिनोमिनेटर सेम है. जहां पे डिनोमिनेटर सेम होता है, हर हमारा समान होता है, वहां पे बड़े को बड़ा मानते और छोटे को छोटा मानते हैं. ये पूरी एक्सरसाइज हमारी मैंने सेम ऐसी ही है. जहां पे आपको नहीं समझ में आया प्लीज यू आस्क मी अगेन. ये पूरी एक्सरसाइज आपकी ऐसी है. सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर एंड कॉम्पेयर. यहाँ पे हमें स्मॉल डिनोमिनेटर की तरफ साइन लगाना है. आगे समझ में आपको, डिनोमिनेटर नीचे वाला, न्यूमिनेटर ऊपर वाला, अंश और हर. तो यहाँ पे 7/4, ये देखिए यहाँ पे 8 क्या है बड़ा है और 4 क्या है छोटा है, तो हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट बोला है, तो इसलिए हमारा डिनोमिनेटर 4 स्मॉलेस्ट है, इसलिए हमने इसकी तरफ किया है. यहाँ पे भी सेम वही है. ये देखिए 5 हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है और हमें स्मॉलेस्ट ढूंढना है, तो यहाँ पे 3 क्या है डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट है, तो इसलिए हमने इसकी तरफ साइन किया है. थर्ड क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर. ये जो हमें नंबर दिए गए हैं ये हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ये हमें पूरे इधर उधर दे रखे हैं, तो इनको हमें डिसेंडिंग है और हमें असेंडिंग में जमाना है. ये देखिए यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन, यहाँ पे मैंने आपको वापस वही वाली चीज कही, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है वहां पे जो छोटा होता है वो छोटा ही रहता है. यहाँ पे 2/9 सबसे छोटा है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है. इस तरह से अरेंज किया हमने, 2/9, 3/9, 4/9 एंड 5/9. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. देखिए 1/5 पहला, फिर 2/5 दूसरा एंड 3/5 इसी तरह से, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों को करना है, ये आप लोगों के लिए छोड़ा है मैंने. फोर्थ क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर. उसमें असेंडिंग में क्या होता है कि छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग में क्या होता है बड़े से छोटा. ये देखिए यहाँ पे बड़े से छोटे की तरफ करना है, तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन हमारा, 8/8, तो 1 पे ये आ गया. फिर इसके बाद देखिए 5/8, ये क्या है हमारा, इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है. थर्ड नंबर 4/ और फोर्थ नंबर पे 1/4. तो ये इनको हमें सबसे पहले 1 लिखना है, सबसे पहले हमें 8/ लिखना है, फिर 5/ फिर 4/ एंड 8/1/. ठीक है, इस तरह से हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा और असेंडिंग छोटे से बड़ा. ये पूरी एक्सरसाइज आप लोग करोगे, ये वाली भी मैंने फिल करके दिया है, जिसकी नोट्स में आप लोगों को भेज दूंगी. ये पूरी आपको करनी है, मैं एक एक बताऊंगी, बाकी आप लोगों को करनी है. ये देखिए, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर. अब आप यहाँ पे देखिए असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे ये देखो 1, 2, 3, 4. अब आप बोलोगे कि यहाँ पे सबसे पहले 3/11 क्यों आया. भाई असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, हमारा छोटे से बड़ा की तरफ होता है. लेकिन आप बोलोगे कि मैम 11 तो सबसे बड़ा होता है, तो आपने इसको क्यों किया. इसलिए किया क्योंकि जिसका न्यूमिनेटर सेम होता है, ये चीज ध्यान से सुन लेना, आगे मैंने बोला था कि जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है वहां पे छोटे को छोटा मानते हैं. यहाँ पे जिसका न्यूमिनेटर सेम होता है, ये देखिए 3, 3, 3, 3, न्यूमिनेटर सबका 3 है. जिसका न्यूमिनेटर 3 होता है वहां पे जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको सबसे छोटा मानते हैं. तो यहाँ पे सबका न्यूमिनेटर 3 है, इसलिए यहाँ पे 3/1 को हमने सबसे बड़ा माना है. उसके बाद 3/10, उसके बाद 3 नंबर पे हमारा आएगा 3/8, फिर 4 नंबर पे 7 एंड 5/1. तो इसलिए से यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर को हमें, जिसका न्यूमिनेटर मतलब अंश समान होता है, वहां पे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना होता है. ये चीज आपको अगर कंफ्यूज करे तो आप मुझे वापस पूछ लीजिए कि जहां पे न्यूमिनेटर सेम होता है वहां पे हमें असेंडिंग ऑर्डर से जमाना होता है, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा. ठीक है, आगे की एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है. राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ये देखिए आपका डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया. यहाँ पे क्या है, सबका न्यूमिनेटर सेम है. अब इनको यहाँ पे तो आपको असेंडिंग ऑर्डर जमाना था, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपने 11 लिया, फिर 8 लिया, फिर 7, फिर 5, फिर 10, मतलब इस तरह से लिया.
आपने यहाँ पे राइट द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है आपको, ये देखिए 4/5। जब न्यूमिनेटर सेम होता है, किसी भी नंबर का न्यूमिनेटर सेम होता है, तो पहले सबसे बड़े को सबसे छोटा मानते हैं असेंडिंग में, एंड डिसेंडिंग में जिसका न्यूमिनेटर सेम होता है उसमें सबसे छोटे को सबसे बड़ा मानते हैं। तो इन दोनों को आप लोग अच्छे से समझ लेना, नहीं समझ में आए तो आप लोग मुझसे फोन करके पूछ सकते हो। यहाँ पे न्यूमिनेटर सेम है इसलिए यहाँ पे फोर डिसेंडिंग पूछा है, तो यहाँ पे 4/5 है, फिर 2/6 है, यहाँ पे जो छोटा है उसको छोटा मानेंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाना, उल्टा करना, जस्ट इसका ऑपोजिट यहाँ करना, इसका ऑपोजिट यहाँ पे करना, इतना मैं आपको बता रही हूँ। फिर नेक्स्ट है आपका अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे आपको पहले इस वाले नंबर को असेंडिंग ऑर्डर जमाना है और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से ही जमाना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका ये आया, 1 आया, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया और फिर 5 आया। तो इसको पहले आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर ऐसे जमाना है और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर ऐसे जमाना है। यहाँ पे ये 8 क्वेश्चन देखिए, दीपक वॉल चलती है 3/4 किलोमीटर एंड सुधा वॉल 3/5 किलोमीटर, हु वॉक द मून, ठीक है। तो इस सवाल को मैं आपको यहाँ बताती हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैं ये यहाँ पे सॉल्व करती हूँ आपके। देखिए सबसे पहले हमने लिखा 3/4, फिर यहाँ पे हमारा 3/5 है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों में डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे मान के चलो हमने ले लिया 5, ठीक है, इस 5 को हमने यहाँ ले लिया और इस 4 को हमने यहाँ ले लिया। ध्यान से देखना, 3/4, 5/4, इस 5 को हमने यहाँ ले लिया और इस 4 को हमने यहाँ ले लिया, तो 4 5 = 20 और 5 4 = 20, आ गया आपको समझ में, यहाँ पे था। अब इनका अंश हमने क्या कर लिया, सेम कर लिया, इनका अंश हमने क्या किया, सेम कर लिया, आ गया आपको समझ में। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5 था, तो इस 5 को हमने यहाँ ले लिया और इस 4 को हमने यहाँ ले लिया। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए था जो दोनों से डिवाइडेड हो, इंटू हो, ठीक है, मतलब सेम नंबर आए, दोनों को इंटू करने पे सेम नंबर आए। तो हमने 5 लिया तो 20 आ गया। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे, फिर इसको आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो ये आपका 20 हमें क्या मिल गया, डिनोमिनेटर में 20 हमें डिनोमिनेटर मिल गया, अंश हर हमारा वो हो गया, और फिर 3 3 = 9, या तो इसको इसका क्या बन जाएगा हमारा 3/20, और इसका क्या बनेगा हमारा 3/20। अब इन लोगों इसको आपको सॉल्व करना है, इस सवाल को, यहाँ पे हमने लिखा 3/20, 3/20, अब आप इसको इंटू करके और फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि बड़ा नंबर कौन है हमारा, 3/4 या 3/5। तो 3/4 हमारा होगा, ये इंटू करने पे आपको डिनोमिनेटर मिल गया, अब आप इसको जैसे सॉल्व करते उसी तरह से आपको करना है, ठीक है। फिर आगे और राइट इज एज फ्रैक्शन, यहाँ पे देखिए ई आपको एक जैसे बनाना है, ये वाला फ्रैक्शन यहाँ पे 14/31, तो आपको क्या करना है, ईच एज फ्रैक्शन बनाना है इसको, ये हमें ऐसा दिया हुआ है और आपको फ्रैक्शन करना है। तो हमने क्या किया, जो हमारा आगे का नंबर था वो हमने ऊपर लिख दिया, और जो हमारे डिवाइडेड था 31 वो हमने यहाँ पे लिख दिया, वैसे यहाँ पे है 13/13, ये सेम ऐसे 13 को हमने ऊपर लिख दिया और 15 को हमने नीचे लिखा है। राइट इज एंड द डिजिबल सम, अब इसको हमें डिवीजन के हिसाब से लिखना है, ऐसे इसको ऐसे करना और इसको ऐसे करना है, ठीक है। यहाँ पे 4/5 था तो हमें डिवीजन मेथड से लिखना है, तो ऊपर वाले नंबर को हमने यहाँ लिखा और डिवाइडेड 5 हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो इसके जैसे इसको करना है, इसके जैसे इसको करना है। राइट मिक्स फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग, ठीक है, यहाँ पे देखिए राइट मिक्स फ्रैक्शन द फॉलोइंग, यहाँ पे इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है, मिक्स फ्रैक्शन में, ये देखिए हमने यहाँ पे किया हुआ है, 4 को हमने डिवाइडेड किया 5 से, ठीक है, 4 यहाँ पे 5 में हमने 4 को डिवाइड किया, तो 4 1 = 4, 1 बचा, तो हमने ये देखिए 1/4, तो इसका आंसर है हमारा 1 1/4। इसी तरह से आपको करना है, 5 से 11 को डिवाइडेड करना है और 6 को 9 से डिवाइड करना है। 12 क्वेश्चन, राइट इम्प्रूव, ये रहा राइट इम इम प्रॉपर
राइट इन प्रॉपर फ्रैक्शन द फॉलोइंग, यहाँ पे इसके जैसे इसको करना और इसके जैसे इसको करना, आगे समझ में। इस वाले फ्रैक्शन को हमें ऐसे सिंपल में लाना है और ये सिंपल वाले फ्रैक्शन को हमें ऐसे लाना है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं किया, 4 से 5 को डिवाइडेड कर दिया। यहाँ पे आपको करना है ये देखिए 3 2 6 हमने किया, सबसे पहले इन दोनों की इंटू करते 3 2 ये रहा 3 2 3 इंटू तो 3 2 6 हमने किया, 3 2 6 फिर 6 में हमने 1 प्लस कर दिया, ये वाला 6 में हमने 1 प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 7/3 आ गया, समझ में। यहाँ पे भी वही है देखिए 3 2 6 6 में 1 प्लस किया तो 7/3 सेम यहाँ भी वही है 6 5 और उसमें 1 प्लस करना है तो 6 5 30 30 में 1 प्लस किया तो 31/6। तो ये सेम हमारे आगे के सवाल ऐसे ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझसे वापस पूछ लीजिएगा। थैंक यू।